नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 10 और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां पर आप हमारे सभी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम अपने सभी देखने वालों को बता दें कि इस सत्र में हम बात करने वाले हैं संस्कृत के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, और आज का हमारा टॉपिक है शुचि पर्यावरणम। और इस टॉपिक पर आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे दो विशेषज्ञ। चलिए उनसे परिचय लेते हैं। आप हैं डॉक्टर स्वीटी आर टेम्ब्रे, आप जेपीएफ है डीईएल एनसीईआरटी से, और आपके साथ है मिस प्रीति झा, आप भी जेपीएफ है डीईएल एनसीईआरटी से। आप दोनों का मैम बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और अपने सभी देखने वालों को हम कहेंगे, बच्चों अगर आपके मन में कोई भी सवाल आया, आप कुछ जानना चाहते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़ा हुआ, या आप अपनी बात साझा करना चाहते हैं हमसे, तो बेझिझक आप हमसे हमारे कॉन्टेक्ट मीडियम्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, या फिर आप हमें ईमेल करेंगे हमारे ईमेल एड्रेस पे जो है dth.class10@cit.nic.in। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इस सत्र में हमसे जुड़ेंगे और अपनी सभी बातें अपने सभी डाउट्स हमारे विशेषज्ञ के साथ साझा करेंगे। मैम, जब तक हमारे बच्चे हमसे जुड़ते हैं, हम स्वीटी मैम आपकी तरफ रुख करते हैं। और जैसे हमने बताया कि आज का हमारा टॉपिक है शुचि पर्यावरणम, इस टॉपिक के बारे में, इस शीर्षक के बारे में हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे, इसका परिचय हम पहले आपसे जानना चाहेंगे। जी, यह हमारे एनसीईआरटी के पुस्तक में 10वीं कक्षा में प्रथम पाठ है, जो लगाइए आप रिपीटिंग जी प्रथम इसमें यह जो प्रस्तुत जो पाठ है, यह अपने आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा इनके रचना संग्रह लसलतिका से संकलित है। और हरिदत्त शर्मा यह लसलतिका जितने भी संकलित है, इसमें इनकी गीत कंदलिका, त्रिपथगा, उत्कलिका, बाल गीताली, आक्रंदम आदि इस तरीके के इनके संकलित संग्रह, कविताओं का एक संग्रह संकलित संकलन है इनके कविताओं का, अलग अलग इन्होंने संग्रह का ये बनाया है। इसके अलावा यह प्रयागराज विश्वविद्यालय में अपनी सेवा प्रदान कर चुके हैं, और इनकी रचनाओं में समाज की विसंगतियों के प्रति आक्रोश तथा स्वास्थ्य वातावरण के प्रति दिशा निर्देश के भाव प्राप्त होते हैं। और हमारे इस शुचि पर्यावरण प्रस्तुत पद्यांश में, पाठ में, कवि ने महानगरों के यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह जो लौह चक्र है, लौह चक्र मतलब यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ चलती है, लोहे के चाक वाली या लोहे की गाड़ियाँ, वह तन मन का शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित ऐसे वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं, जिसे इस कविता के द्वारा, इस पद्य के द्वारा बताया गया है। और इस पद्य को हमारी मिस प्रीति झा यह गाकर सुनाएगी। प्रीति, पद्य को, प्रथम पद्य को गाकर सुनाओ तो जरा। छात्रों, जैसे कि संस्कृत की जो पद्य जो होते हैं, काव्य होते हैं, उसको हम गायन विधि द्वारा बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कि संस्कृत को बहुत रुचिकर मतलब प्रस्तुत करता है, उसको व्यक्त करता है। तो मैं इसका जो प्रथम पद्य है वो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगी। आप लोग उसको इस स्लाइड में भी देख सकते हैं। दुर्वह मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशं कालायस चक्रम, शुचि पर्यावरणम मनः शोषयत तनुः पेषयत भ्रमति सदा वक्रम, शुचि पर्यावरणम दुर्दान्तैर्दशनैर्मुनास्यान् नैव जनक्रसनम्, शुचि पर्यावरणम।
अब इसके अन्वय को डॉक्टर स्वीटी स्पष्ट करेंगी आपको कि ये प्रस्तुत श्लोक में क्या कहा गया है, कवि ने क्या इसकी विशेषता बताई है कि हमें पर्यावरण में क्या क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए, इसको हमें डॉक्टर स्वीटी अभी आपको बताएंगी। तो आप दर्शक इसके इसे आगे के स्लाइड में भी देख सकते हैं, जिस प्रकार से इसमें बताया गया है, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति एव शरणम, यहाँ जीवन दुभर सा हो गया है और अब तो प्रकृति ही हमारा सहारा है। शुचि पर्यावरणम, मतलब यह जो पर्यावरण हो पवित्र हो। इसके बाद महानगर मध्य कालायस चक्रम अनिशम चलत मन शोषयत, मतलब महानगरों में दिन रात अनिशम दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया मन को सुखाता हुआ, तनु शोषयत सदा वक्रम भ्रमति शरीर को पीसता हुआ, हमेशा वक्र टेढ़ा चल रहा है। जैसे हमारा जो चक्र है, हमारे जीवन का जो चक्र है वह टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया है इस प्रदूषण के वजह से। और आगे कवि लिखते हैं, अमुना दुर्दान्ते हे दशने हे जनग्रसनम न एव स्यात्, इसके भयंकर दांतों से लोगों का विनाश न हो जाए। मतलब यह पर्यावरण इतने भयंकर रूप को धारण कर चुकी है कि इससे हमारे मानव जीवन का विनाश न हो जाए। चलो प्रीति, अब अगला जो पद्य है मैं भी आपके साथ गाती हूँ। कच्चल मलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटीयानं बाष्पयानमाला सन्धावति वितरन्ति ध्वानं यानानां पङ्क्तयो ह्यनन्ता कठिनं संस्मरणं शुचि पर्यावरणम् सूची पर्यावरणम्। श्रोताओं, अब इस पद्य में, दूसरे पद्य में क्या कहा गया है छात्रों, इसको मैं आपको स्पष्ट करती हूँ। कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, हमारी जो हमारा जो पर्यावरण है वो काजल के समान बिल्कुल मलिन हो गया है। यहाँ पे सैकड़ों मोटर गाड़ियां चलती हैं जिससे निकलने वाला गंदा धुआं, जिसने हमारी प्रकृति को बहुत प्रदूषित कर दिया है। और बाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम, और यहाँ पे रेलगाड़ियाँ चल रही हैं जो धुआं, उनसे निकलने वाला धुआं, उनका कोलाहल भी हमारी प्रकृति को बहुत ही नुकसान पहुँचा रहा है। और उसके अतिरिक्त यानानाम पंक्तयो ह्यनन्ता कठिनम संस्मरणम, गाड़ियों की एक लंबी कतार लगी हुई है, बहुत भीड़ लगी हुई है, गाड़ियाँ ट्रैफिक इतना हो गया है कि लोगों का यहाँ पे जीवन जीना बहुत कठिन हो चुका है। तो हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। अब इसकी अगली पंक्ति को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वायुमंडलम भृशम दूषितम नाही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशोधीकरणम शुचि पर्यावरणम। अब डॉक्टर स्वीटी आप इसके बारे में बताइए, श्लोक में क्या कहा गया है। बिल्कुल, मैं इसका अन्वय बताती हूँ, आप अगली स्लाइड लगाइए। जिस प्रकार इसका अन्वय हम इस तरीके से करेंगे इस पद्य का, वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडल यह जो है भृश अत्याधिक प्रदूषित हो गया है, निर्मलम जलम ही न अस्ति, मतलब यहाँ पर स्वच्छ जल प्राप्त होना अभी मुश्किल हो गया है, निश्चित रूप से स्वच्छ जल यहाँ पर नहीं है। भक्ष्यम कस्तित वस्तु मिश्रितम, खाद्य पदार्थ भी यह मिलावटी से भरे हुए हैं, बुरी चीज़ों की इनमें मिलावट है। धरातलम समलम जातम, पृथ्वी गंदगी युक्त प्रदूषित हो गई है, हम हर तरीके के समुन्द्र के किनारे कहो चाहे हर जगह कचरे के ढेर ऐसे ही लगा देते हैं। बही अंत जगती
वह शुद्धिकरणम तु करणीयम, मतलब अतः संसार में बाहरी एवं भीतरी शुद्धि करनी चाहिए। संसार में शुद्धता एवं सफाई की बहुत आवश्यकता है, इस पद्यांश में कवि अपनी अभिलाषा समाज के लिए जागृत करते हैं। अगला पद्य हम पढ़ते हैं, इसका जो चतुर्थ पद है उसमें कहा गया है कि इतना प्रदूषण अत्यधिक फैल रहा है कि मैं बहुत अत्यंत दुखी है कवि, और वो इस सबसे दूर कहीं अपने गांव को जाना चाहते हैं जहां वो अच्छे से झरनों को और नदी को, शुद्ध तालाब को, सबको देख सके। तो उन्होंने अगले पद्य में कहा है, किंचित कालम नयमां स्मरान् नगरात् बहुदूरम् प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी परः पूरम् एकान्ते कान्तारिक्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणम् शुचि पर्यावरणम् सूची पर्यावरणम्। तो बहुत ही अच्छे ढंग से कवि ने इसमें कहा है कि मैं कुछ समय के लिए अपने गांव से दूर जाना चाहता हूँ, किंचित कालम न माम स्मराद नगरात दूरम प्रपश्यामी ग्रामांते निर्जर नदी पय पूरम एकांते कांतारे क्षणम अपी में स्यात संचरणम, मैं अपने गांव से दूर किंचित कालम कुछ का समय के लिए, माम किंचित कालम अस्मात नगरात बहु दूरम नया मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो जाऊं, और ग्रामांते निर्जरा नदी पया पूरम प्रपश्यामी गांव में जाकर मैं नदी को, तालाब को, झरनों को देखूं, और एकांते कांतार क्षणम अपि मैं संचरणम स्यात और कहीं एकांत में जाकर मैं विचरण करूं, घूमूं। ये कवि की कल्पना है और इसी को उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से इस पद्य में बताने का प्रयास किया है। इसकी अगली पंक्ति जो है वो है, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यामे वर्णीया नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरं समगमनम् शुचि पर्यावरणम् शुचि पर्यावरणम्। इसको डॉक्टर स्वीटी आप स्पष्ट कीजिए कि क्या कहा है कवि ने इसमें। जिस हिसाब से इसमें ये पद्यांश रखा गया है कवि के द्वारा, इसमें उन्होंने हरित तरुणाम ललित वर्णनाम, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, मतलब जो हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला मनमोहक है, तथा समीर चालिता कुसुमावली में वर्णीया स्यात, हवा से माला गतिमान हिलती हुई फूलों की जो पंक्तियां है मेरे यह चुनने योग्य है, नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम आम के पेड़ से नवमालिका मतलब चमेली का सुंदर समागम मिलन हो, मतलब ऐसे जगह वो देखना चाहते हैं और इस तरीके से वो इस सुंदर जगह से मतलब ऐसे जगह से एक सुंदर जगह पे वह जाना चाहते हैं, ऐसी इच्छा वह इस पद्य के द्वारा प्रकट करते हैं। आगे की पंक्ति हम इसमें पढ़ सकते हैं, आई चल बंधु खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पपुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक्य जालम नो कुरिया जीवित सरहरणम शुचि पर्यावरणम। तो डॉक्टर सिटी, इस पद्य में क्या कहा गया है, आप इसको भी छात्रों को स्पष्ट करें। जी, इसमें मतलब इस तरीके से बताया है कवि के द्वारा कि वह सभी बंधुओं को निर्देश देते हैं कि आई चलो बंधु, सारे बंधु मेरे साथ चलो, एक प्रकार से इन पक्षियों के मधुर कलरव चहक से गुंजित वन प्रदेश में चलो, नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो,
मतलब एक ऐसा संदेश बनाओ, यहाँ से सभी चलो, चकाचौंध भरी दुनिया जीवन रस आनंद का हरण नहीं करे। मतलब ये जो हमारी चकाचौंध भरी जो दुनिया है जिसमें हम सब लोग चल तो रहे हैं, इससे हमारा हरण नहीं होना चाहिए। हमें अपने खुद के लिए समय निकाल कर एक सुंदर और पहले के जैसा पर्यावरण शुद्ध रखने का वह संदेश हमको देते हैं। इसके आगे एक आखिरी पंक्ति कवि कहते हैं, तो इसको प्रकट करो। नोभवन्तु पिष्टा पाशानि सभ्यतानि सर्गे स्यानं समाविष्टा मानवाय जीवनं कामये नो जीवन मरणं शुचि पर्यावरणं शुचि पर्यावरणं। इसमें क्या कहा गया है, आप अंतिम पद में क्या कहना चाहते हैं कवि की, क्या इस जो संसार से है जहाँ प्रदूषण बहुत अत्यधिक है, यहाँ से कहीं दूर चले जाएं हम प्रदूषण से, वह एक सुंदर, हाँ वह एक सुंदर जगह की कल्पना करके कहते हैं और समाज को एक कल्पना करवाते हैं कि लता तरु गुलमा प्रस्त तरे पिष्टा न भवंतु, लताए पेड़ तथा झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे न पीसे। उनका कहने का मतलब ये है कि जो लताएं हैं पेड़ है, हम जो जंगल काट रहे हैं अपने सुविधा के लिए, उसका सब सर्वनाश ना करें। उसके बाद पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टान स्यात्, प्रकृति में पाषाणी सभ्यता पत्थर की सभ्यता का समावेश न हो। हम प्राकृतिक अवस्था में, प्राकृतिक घर मतलब हम जो मकान बनाते थे उसमें किसी तरीके का इस तरीके का नुकसान नहीं होता था। आज हम कंक्रीट के शहर में रहते हैं, आज जो भी हम घर बनाते हैं एक पाषाणिक सभ्यता पत्थर की सभ्यता का उसमें पूरी तरीके से समावेश ना हो। मानवाय जीवनम कामये, मैं ऐसे मानव जीवन की कामना करता हूँ और अपने जीवित रहते हुए जीवन मरणम नो, और जीवित रहता हुआ मैं इस मृत्यु की कामना नहीं करता। इस जीवन में मैं स्वच्छ एवं अच्छा पर्यावरण का संदेश देता हूँ और कामना करती हूँ कि मानव जीवन का उद्धार हो। इस प्रकार से वह पूर्ण संपूर्ण पद्यांशों में पर्यावरण के प्रति सामाजिक रूप से जागरूकता लाने का संदेश देते हैं कवि हरिदत्त शर्मा जी, बहुत प्रसिद्ध एवं जागरूक करने वाले समाज पर्यावरण के प्रति पर्यावरण प्रेमी, ऐसे हमारे कवि का इसमें संदेश प्राप्त होता है। जी, तो ये तो बात हुई इमाम की, जो हमारे कवि हैं वो बच्चों को कुछ संदेश दे रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से कि उन्हें क्या करना चाहिए। और पर हम अपने आसपास जब देखते हैं तो कई चीज़ें हैं, क्योंकि विकास के दौर में हम आगे बढ़ रहे हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ हमें कदम से कदम मिला के चलना है। तो इस कविता के माध्यम से कवि के जो भाव हैं वो हम आपसे और एक बार फिर से जानना चाहेंगे, क्या कुछ और है जो आप इसमें जोड़ना चाहते हैं, बताना चाहते हैं हमारे बच्चों को? हाँ, इसमें इस तरीके से है, आपने सही कहा कि हमको सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी चलना है और सबके साथ समरसता भी हमें रखना है। इस क्षेत्र में हमको पर्यावरण के साथ तालमेल भी बिठाना है। पर्यावरण के संबंधित जागरूकता फैलाने का यहाँ पर एक तरीके से कवि ने जो निर्देश दिया है वह इस प्रकार से दिया है कि पर्यावरण हमें ऐसे कोई पर्याय निकालने होंगे जिससे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और हमारा उत्तरोत्तर विकास भी होता रहे। हमको उनके साथ समतुल्य तालमेल रख के पर्यावरण के प्रति प्रेम और स्नेह दिखाते हुए हमें अपना विकास करना है। जी, तो मैम हम इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे और जो हम प्रेजेंटेशन में एक बार प्रेजेंटेशन की तरफ पढ़ते हैं और उसको देखना चाहेंगे, और कुछ जो आप हमारे बच्चों के लिए लेकर आए हैं हम चाहते हैं कि आप उन्हें उनके साथ साझा करें, क्योंकि अभी भी हमारे कार्यक्रम में 5 मिनट के समय और शेष है। जी, हमने पर्यावरण के प्रति और भी संस्कृत में बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है जिसको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगी। जी, बच्चे देख सकते हैं इसको। यथा पृथ्वीम परितो व्याप्य तमा आच्छाद्य स्थितम चयत
जगदा आधार रूपेण पर्यावरणम उच्यते। पर्यावरण किसे कहते हैं इसके विषय में यहाँ पर श्लोक है। वायु प्रदूषण के विषय में भी है। प्रक्षिप्त वाहन धूम कृष्ण बह उपकारक दृष्टे रसायनेर युक्तो धातक श्वास रुग्व। प्रदूषण विषय में और एक यहाँ पर श्लोक दिया है। सृष्टो स्थितो विनाशेच नृविज्ञेय बहुर्नाशकम पंच तत्व विरुद्ध यत्साधितम तत् प्रदूषणम। आगे जल प्रदूषण के विषय में भी श्लोक दिया गया है। मिस प्रीति इसको बताएगी। यंत्रशाला परित्यक्ते नगरे दूषित द्रव्ये नदी नद्यौ समुद्राश्च पक्षिपेतेर दूषणम गताः प्रदूषण निवारणाय संरक्षणाय च शोधनम रोपणम रक्षावर्धने वर्धनम वायुवारिणे वानानां वन्य वस्तूनां भूमे संरक्षणम वरम। मतलब कि हमें प्रदूषण किस प्रकार से हम प्रदूषण को रोक सकते हैं, प्रदूषण ना फैले समाज में, उसके लिए उपाय करने चाहिए। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और मतलब नदी तालाबों में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए वहाँ पे, और इस वृक्षारोपण करना चाहिए। और हमारे भूमि की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ों को कम काटना चाहिए। ये सभी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे हमारे पर्यावरण को हानि ना पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल मिस पीते, बहुत आपने सुंदर कहा जी। तो मैम ये तो बात हुई कि किस तरह से हमें करना चाहिए। कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं, कुछ और जोड़ना चाहते हैं जाते जाते? मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगी इस पाठ के द्वारा कि कवि हरिदत्त शर्मा, इन्होंने इतनी सुंदर रचना लिखी है, इसको हर कोई अपने घर में एक बार इस सुर और ताल के साथ बहुत गाकर अच्छे से प्रयास करें एवं इसके अर्थ को अंतरसात करके हर बच्चे अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें जी। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जो जैसा माम ने कहा, जो कवि कहना चाहता है इस कविता का, इन पद्यों के भाव को आप अपने जीवन में ज़रूर आत्मसात करें ताकि एक हम ऐसे भविष्य की निर्माण की ओर बढ़ सके जहां पर सभी के लिए जगह हो और हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहे। और इसी बात के साथ हम इस सत्र को यहीं पर विराम देना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर स्वीटी और प्रीति मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप स्टूडियो आए और आपने इतने अच्छे तरीके से संगीतमय तरीके से हमारे सभी बच्चों तक ये मैसेज और ये संदेश पहुँचाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने सभी बच्चों को हम कहेंगे कि बच्चों अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव फोन इन प्रोग्राम के साथ हम हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए पीएम ई विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार।